गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम लोगों का क्लास में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया है, इसमें तुम्हारा डीएम जो स्टैंड कर रहा है मास ऑफ एन एलिमेंट्री एरिया, एक्स बार और वाई बार रिप्रेजेंट हो रहा है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस टर्म्स में हम तुम लोगों को बताए थे स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा ए, डीएम हमारा रिप्रेजेंट होगा रो डी ए, रो डेंसिटी हो गया यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेक्स्ट टर्म में हमारा रो यूनिफॉर्म होगा तो रो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एक्स डी ए डिवाइडेड बाय डी ए इंटीग्रेशन है, वाई बार इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब तुम्हारा केस फर्स्ट है, इसमें देयर आर थ्री केस। फर्स्ट केस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx एक्सिस ऑफ x एंड ऑर्डिनेट्स, यहां पे x एक्सिस के टर्म्स में ले रहे हैं, तो सबसे पहले ड्रॉ किए हैं ग्राफ तुम्हारा। देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस अलोंग ox एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस है। देयर आर टू पॉइंट्स x इज इक्वल टू a, यहां पे एक ड्रॉ किए हैं कर्व। अब ये पॉइंट a बी सी और डी टर्म्स है, यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू ऑर्डिनेट ए हो रही है, और ये टर्म्स है हमारा एक्स इज इक्वल टू बी रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप ले रहे हैं नैरो स्ट्रिप, ये टर्म्स हमारा देखो पी क्यू, यहाँ पे टर्म्स जो डेल्टा एक्स लिखे हैं सपोज कर रहे हैं ये एम एन है, यहाँ से ओ एम की वैल्यू एक्स हो गई, स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमारा एन टर्म्स होगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये एम एन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा टर्म्स क्या लिखेंगे ओ एन, यानी कि एन की जो होगी स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये एम माइनस ओ एम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा एक्स। ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप्स है ये, और यहाँ पे टर्म्स देखो पी एम जो टर्म्स हो गया ये वाई रिप्रेजेंट होगा, और क्यू एम जो है टर्म्स ये वाई बाई टू, ये पैरेलल टू हमारा क्या है वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो गया ये वाई हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, ये जो नैरो स्ट्रिप है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से क्रॉस करेगा, तो इस बीच सेंटर से, तो ये हमारा जो लाइन है वाई तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये टर्म्स हो जाएगा वाई बाई टू। कोऑर्डिनेट हो गया हमारा फर्स्ट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, लेकिन ये हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मिडिल पॉइंट ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा वाई बाई टू। तो यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया लाइन स्ट्रिप हुज एरिया इज, एरिया क्या लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये टर्म्स हमारा हो गया वाई, और ये हमारा आपका ब्रेथ हो गया डेल्टा एक्स, तो वाई डेल्टा एक्स, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट, ये पैरेलल टू हमारा वाई एक्सिस है, इसका मिडिल पॉइंट ले रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हमारा हो गया वाई बाई टू। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, हमारा लिमिट है x इज इक्वल टू a ऑर्डिनेट्स लिया है, गिवन भी है तुम्हारा x इज इक्वल टू b, तो इसमें हमारा लिमिट जो हो गया a टू b x y dx डिवाइडेड बाई y dx। अब y बार में हमारा जो टर्म्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो y की जगह ये y बाई टू और y dx डिवाइडेड बाई y टू, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा ये टर्म्स है थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट किए तो ये टर्म्स लिखे हैं फ्रॉम थर्ड, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गया तुम्हारा फोर। अगर ये हमारा सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल होगा, तो ये जो लेंथ है सिमेट्रिकल बोथ आर इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं ले रहे, तो ये टू वाई हो जाएगा तुम्हारा रिप्रेजेंट होगा टू वाई डेल्टा एक्स, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा एक्स और वाई टर्म्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर थर्ड से हमारा टर्म्स वैल्यू हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स और जीरो होगा, तो यहाँ पे टर्म्स एक्स बार में हमारा टर्म्स हो गया सिमेट्रिकल है, तो वाई की जगह टू वाई डी एक्स, एक्स टू वाई डी एक्स, वाई बार सिमेट्रिकल अबाउट हमारा किस टर्म्स में है x एक्सिस में है, तो y जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो हो जाएगा, तो y टर्म्स जीरो हो गया, तो y बार टोटल जीरो हो जाएगा, तो केवल x बार ही निकालना होगा, y टर्म्स जीरो होगा।
तो ये टर्म्स तुम रिमेम्बर रखना कि अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो हमारा वाई टर्म्स जीरो हो जाएगा, अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहेगा तो हमारा टर्म्स एक्स जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म्स है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ पे टू वाई होगा। ये केस फर्स्ट था। अब इसका जस्ट अपोजिट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉन्डेड बाय द कर्व, यहाँ पे फंक्शन x इज इक्वल टू एफ आई y एक्सिस ऑफ y एंड एब्सिसा y इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे ऑर्डिनेट हमारा y इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b के टर्म्स में है, o x x एक्सिस ओ वाई हमारा y एक्सिस हो गया। अब इस पे हम ड्रॉ ग्राफ किए हैं ये कर्व सी डी पे, हम यहाँ पे पैरेलल टू ये किसका है x एक्सिस में है तो x एक्सिस है तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया टर्म्स, ये x एक्सिस हो गया और ये जो स्मॉल स्ट्रिप है ये हमारा फिर उसी तरह सेम प्रोसेस रन करेगा, स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाएगा ये डेल्टा y। अब यहाँ पे x एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये जो लाइंड स्ट्रिप है इसके बीच का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, मिडल पॉइंट से क्रॉस होगा और उसका हमारा क्या टर्म्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारा x by 2 हो जाएगा और फिर कोऑर्डिनेट हमारा जो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो हमारा x by 2 और y टर्म्स हो जाएगा। अगेन हम इसे फिर फॉर्मूला में, हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा वाई और ये टर्म्स है एक्स तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या हो जाएगा एक्स बाय टू वाई अप्रोक्सीमेटली, अगेन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जो स्टार्टिंग था प्लेन एरिया में एक्स बाय टू एक्स डी वाई वाई ए टू बी लिमिट हमारा वाई एक्स डी वाई होगा। ये इक्वेशन नंबर फोर था, फिर अगेन इसमें भी फोर कर दिए। अगर ये सिमेट्रिकल हो गया अबाउट y एक्सिस यानी कि y एक्सिस हो गया यानी कि x टर्म जीरो हो गया यानी यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया जो है वो 2x डेल्टा y हो जाएगा और कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x टर्म जीरो हो जाएगा। अगेन इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा टर्म्स होगा, ये टर्म्स हो गया हमारा, अगेन हमारा इसमें हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा x बार हमारा जीरो हो जाएगा और y की वैल्यू केवल टर्म्स होगा, जब सिमेट्रिकल है तो टर्म्स हो गया 2x dy डिवाइडेड बाय 2x। अब ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल ये x बार हमारा जीरो हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है और ये y बार की वैल्यू हो गई 2, कैंसिल हो गया तो वाई एक्स डी वाई एक्स डी वाई। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्टोरियल एरिया, थर्ड केस है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेक्टोरियल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया आर इज इक्वल टू एफ थीटा एंड द रेडियाई वेक्टर एट थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे टर्म्स एक सेक्टोरियल एरिया बना है, यहाँ पे टर्म्स देखो ए ओ बी, ये टर्म्स जो है एरिया ऑफ सेक्टोरियल ए पॉइंट पे हमारा एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, एट द पॉइंट बी थीटा इज इक्वल टू बी है। अब अगेन यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट ये पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ये टर्म्स हम ले रहे हैं स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू, अब इसकी एंगल जो हो गई पी क्यू की वो डेल्टा थीटा हो गई और पी ओ तुम्हारा पी ओ क्यू ये स्मॉल थीटा हो गया, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा थीटा। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और इसका जब हमारा सेक्टोरियल एरिया का लेते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू थर्ड हमारा ओ जी इज इक्वल टू ये टर्म्स ओ जी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू टू थर्ड होगा, ओ जी इज इक्वल टू टू थर्ड ओ पी, OP यानी कि रेडियस वेक्टर, इसमें रेडियस वेक्टर P पॉइंट का R हो जाएगा, Q में स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया R प्लस डेल्टा R, इसकी एंगल थीटा हो गई और ये Q पॉइंट का थीटा प्लस डेल्टा थीटा और फिर वो माइनस करके ये स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा थीटा। तो G का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा हो जाएगा 2/3, कंपोनेंट क्या लेते हैं पोलर से कार्टेशियन के टर्म्स में r cos थीटा r sin थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म्स है c g सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये हमारा 2/3 यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3 r sin थीटा।
अब इसमें हम एलिमेंट्री जो ये लाइन स्ट्रिप्ड है इसका हम लाइन एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर, लिखते भी है ऐसे भी, लेंथ हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे ओपी और ओक्यू यानी कि रेडियस वेक्टर है, तो ये टर्म्स हमारा हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जी पे है और ओजी जो है वो टू थर्ड आर होगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्टोरियल एरिया का हो जाएगा 2 बाई 3 आर कॉस थीटा, 2 बाई 3 आर साइन थीटा। अब एक्स बार इसमें यहाँ पे हमारा एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, तो लिमिट हो गया अल्फा और बीटा 2 बाई 3 आर, फिर ये हमारा कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, एरिया निकाल रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अगेन डिनोमिनेटर में अल्फा से बीटा हमारा लिमिट हुआ हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब वाई टर्म्स में अल्फा टू बीटा 2 बाई 3 आर साइन थीटा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब हो गया, टू थर्ड बाहर कर दिए, आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा ये हाफ कैंसिल हो गया, तो केवल आर स्क्वायर डी थीटा होगा। सिमिलरली वाई बार का भी हो गया 2 बाई 3 आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा अल्फा टू बीटा लिमिट हो गया आर स्क्वायर डी थीटा। जब स्मॉल इंक्रीमेंट से हम वो लिमिट ले लेते हैं तो फिर वो हमारा डेल्टा एसओ कन्वर्ट होके डी के टर्म्स में हो जाएगा। अब अगर ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन है यानी कि कर्व की वैल्यू मस्ट बी एन इवन फंक्शन ऑफ थीटा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई करेगा इनिशियल लाइन पे। जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इनिशियल लाइन में तो हमारा वाई टर्म्स हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमारा लिमिट जो है सो चेंज हो जाएगा माइनस अल्फा टू अल्फा आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सेम है यहाँ पे लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा टू अल्फा। अब इसको जीरो टू अल्फा में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला है कैलकुलस से, तो टू से डिवाइड ये टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो टू अल्फा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम ये टू कट गया तो ये डायरेक्ट हमारा इक्वेशन हो गया 2 बाई 3 0 टू अल्फा आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन में तुम्हारा ये गिवन नहीं है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो पुट करते हैं थीटा की वैल्यू अगर हम माइनस थीटा पुट करेंगे तो देर विल बी नो चेंज। अगर थीटा की वैल्यू माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारा क्या हो गया आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, यानी कि एज इट इज रहेगा, देर विल बी नो चेंज, यानी कि जो गिवन हमारा है वो लाई करेगा, जो कर्व होगा सिमेट्रिकल होगा अबाउट द इनिशियल लाइन। और यहाँ पे ये टर्म्स है गिवन कर्व, ये गिवन है आर इज इक्वल टू ए टू प्लस कॉस थीटा, इसको हम फॉर्मूला में लिखते हैं टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ पे लिखे इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, तो क्यों हो गया इनिशियल लाइन, थीटा की वैल्यू माइनस थीटा पुट करते हैं देर विल बी नो चेंज, यानी कि नो चेंज हो रहा है तो ये हमारा सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन होगा। अब हमारा लिमिट निकालने के लिए आर की वैल्यू हम जीरो पुट किए हैं तो क्या लिखेंगे टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो कब होगा कॉस 90 डिग्री, तो हमारा कॉस थीटा बाई टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री दैट मीन्स पाई बाई टू हमारा टर्म्स हो गया और थीटा बाई टू कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बाई टू देर आर टू वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव ए टू कैंसिल, फिर हो गया थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पाई फॉर सिमेट्री। अब अगर अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया, अगर अबाउट इनिशियल लाइन होगा तो वाई बार हमारा जीरो हो जाएगा और थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा हमारा थीटा फॉर एक्स बार आर, लिमिट्स ऑफ थीटा फॉर एक्स बार थीटा की वैल्यू माइनस पाई टू थीटा इज इक्वल टू पाई। अब ये टर्म्स एक्स बार का ये लिमिट ले रहे हैं, वाई बार हमारा जीरो हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी जस्ट लिखे 2 बाई 3 सेम फिर हो गया हमारा माइनस पाई टू पाई आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई माइनस पाई टू पाई आर स्क्वायर डी थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 टू पाई होगा, यहाँ अगेन शो कर दिए आर क्यूब का फॉर्मूला होता है ए वन प्लस कॉस थीटा, तो ए क्यूब
यहाँ पे q cos theta d theta divided by a square 1 plus cos theta square d theta. अब अगेन ये 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा 2 by 3 टोटल में कॉमन है, 2 by 3 बाहर कर दिए, a 1 plus यहाँ पे टर्म्स a क्यूब है, a स्क्वायर है, कट जाएगा तो सिंगल a बचेगा तुम्हारा, 1 plus cos theta यानी कि 2 cos square theta by 2 का क्यूब, cos theta को हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2 minus 1 और ये d theta है, फिर डिनोमिनेटर में 2 cos square theta by 2. अब theta by 2 को हम पुट कर दिए हैं t, तो क्या टर्म्स होगा, d theta is equal to 2t और लिमिट्स ऑफ t हमारा, इसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमारा t की वैल्यू अगर यहाँ पे गिवन है, थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिए तो t की वैल्यू 0, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दिए, सॉरी पाई पुट कर दिए तो t की वैल्यू पाई बाई 2, तो यहाँ पे हमारा 0 से पाई बाई 2 हो गया लिमिट. अब यहाँ पे टोटल a कॉमन हो गया, बाहर कर दिए, तो ये टर्म्स हमारा x बार की वैल्यू हो गई 2 by a 3, लिमिट 0 से पाई बाई 2. अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स में तुम्हारा क्या टर्म्स हो गया, 2 cos square theta by 2 क्यूब, 2 का पावर क्यूब यानी कि 8, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 4 2 जाए 8, तो केवल 2 बचा, और cos square का पावर क्यूब है यानी कि क्या टर्म्स हो जाएगा हमारा, 2 को 3 बार करेंगे तो cos 6t, 2 cos square t minus 1 dt divided by cos 4t. अब इसको अगेन हम ये टर्म 0 से 2 पाई बाई 2, अब यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हो गया तुम्हारा 2a बाई 3, ये टर्म्स इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 cos का पावर 8t माइनस 2 cos 6t dt डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी कर दिए, 2a बाई 3 हम बाहर कर दिए. अब ये 4 है, 4 बाहर किए, अब इसको वाल्स फॉर्मूला हम तुम्हें बताए हैं, n माइनस 1, 8 माइनस 1 तो 7 बाई 8, फिर n माइनस 3 यानी कि तुम्हारा क्या टर्म्स हो गया, 1 के बाद हमारा माइनस, पहले n हुआ फिर 1 के माइनस 3 किए तो हमारा 5 बाई 6 हो गया, फिर 3 बाई 4, 1 बाई 2 और पाई बाई 2 आएगा, माइनस 2 cos 6 यानी कि हमारा 6 डिनोमिनेटर में ऊपर 5, फिर 3 बाई 4, 1 बाई 2, पाई बाई 2. अब ये डिनोमिनेटर का है डिवाइडेड बाय 4 है तो 3 बाई 4, 1 बाई 2, पाई बाई 2. अब देखो सभी में कॉमन है 3 बाई 4, 1 बाई 2, पाई बाई 2, 3 बाई 4, 1 बाई पाई बाई 2 कॉमन ले लिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये 2 बाई ए 3 लिखे, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये 35, ये 4 से 2 कैंसिल कर दिए तो 2 12, तो ये क्या हो गया 35 बाई 12, यहाँ पे सिर्फ कॉमन रहेगा हमारा, क्या टर्म्स रहेगा 10 बाई 6, 10 बाई 6, अब इसमें एलसीएम हम ले लिए 12 ले लिए तो यहाँ पे 20 हो गया, 35 माइनस 20 दैट इज 15, 15 आएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हमारा टर्म्स हो जाएगा 5, और यहाँ पे 12 एलसीएम लिए थे तो 2 से 12 कट हो गया तो हमारा 6, तो हमारा रिप्रेजेंट करेगा 5a बाई 6. तो यहाँ पे हमारा x बार का वैल्यू हो गया 5 बाई 6 और बाई सिमेट्री y टर्म्स इज इक्वल टू 0, तो y बार हमारा 0 हो गया, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमिना ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स. अब ये टर्म्स में हम इलिप्स का लिए हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये डेल्टा एक्स हो गया, ये एक्स है और ये टर्म्स वाई है. अब इलिप्स का इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इस एरिया को डिवाइड किए हैं लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप, यहाँ पे लाइनिंग नहीं दी, बहुत छोटे 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 ऐसे स्ट्रिप में हमारा हो रहा है, ब्रेथ हमारा डेल्टा एक्स हो गया और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म्स था, एरिया एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स और लिमिट हमारा 0 टू a टर्म्स हो जाएगा. अब यहाँ पे टर्म्स देखो, ये टर्म्स हमारा क्या टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स एक्स टर्म्स हो गया, वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको साइड ले जाओ तो अंडर रूट हमारा टर्म्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा,
ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, पेंसिल कॉपी ले लेना और उस टर्म्स में करना, इसको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू लाना, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारे, या फिर एलसीएम लेके करना, तो ये टर्म्स हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी वाई है तो वाई की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंस वाई की वैल्यू हमारा बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट से, ये टर्म्स हो गया, तो ये हमारा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब अगेन इसकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस टू एक्स डी एक्स डी टी, और ये एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू, ये एक्स और जो डी एक्स है उसकी वैल्यू हो गई माइनस डी बाई टी माइनस डी टी बाई टू। अब यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा ये इंटीग्रेशन यहाँ पे छूट गया है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके ही लिख दिए हैं यहाँ पे टर्म्स, देखो ये टर्म्स हो गया 0 टू a, यहाँ पे लिमिट 0 टू a हो गया। अब यहाँ पे माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू लिए, अब इसका इंटीग्रेशन ये हमारा क्या हो गया रूट टी, टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा टी हाफ, टी हाफ टी हाफ का इंटीग्रेट करोगी तो प्लस वन थ्री बाई टू, टी की वैल्यू थ्री बाई टू, यानी कि इसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू थ्री बाई टू हो गई, डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू यानी कि टू बाई थ्री, तो यहाँ पे टर्म्स हम लिख दिए टू बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर थ्री बाई टू लिमिट जीरो टू ए। अब ये नेक्स्ट ये एज ए फॉर्मूला है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स बाई ए, पहले एक्स बाई ए, एक्स बाई ए लिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका ये फॉर्मूला है हमारा, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम डेरिवेशन लिख दिए और लिमिट हो गया जीरो टू ए। अब इसमें देखो ये टू टू कैंसिल हो गया, ये हमारा टर्म्स माइनस वन बाई थ्री टर्म्स है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, अगर ए स्क्वायर पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जीरो हो गया, अगेन जीरो जब पुट करेंगे तो केवल ए स्क्वायर, तो जब जीरो लेते हैं तो माइनस होगा लिमिट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या रिप्रेजेंट होगा वन बाई थ्री ए स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है ए स्क्वायर है और इसका पावर थ्री बाई टू, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए का पावर क्यूब हो गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में अगर a पुट किए तो ये फिर अगेन हमारा जीरो हो गया, और नेक्स्ट लिमिट अगर जीरो पुट किए तो भी ये पार्ट जीरो हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स a पुट किए तो साइन इनवर्स वन क्या होगा 90 डिग्री दैट इज पाई बाई टू, हाफ ए स्क्वायर पाई बाई टू, तो यहाँ पे देखो हाफ हाफ ऊपर हाफ है नीचे ऊपर सॉरी वन थर्ड है नीचे हाफ है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, और a क्यूब है एक a बचेगा तुम्हारा 1a बचा, और ये टर्म्स क्या हो गया तुम्हारा ये ऊपर चला गया तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाय 3, ये जो 2 है 2 2 मिलके 4 हो गया, 4a डिवाइडेड बाय 3 पाई आएगा। अब यहाँ पे इलिप्स क्वेश्चन है तुम्हारा, इलिप्स क्वेश्चन है तो इलिप्स क्वेश्चन में तुम्हारा क्या होगा ये हमारा कर्व दोनों का पावर इवन है स्क्वायर बाय यहाँ पे तुम्हारा क्या टर्म्स है दोनों का सिमेट्रिकल अबाउट एक्स है और वाई है, तो ये टर्म्स हमारा इवन पावर है एक्स और वाई का, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स बार का 4a by 3 आया और यहाँ पे वाई बार का 4a by 3, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा हमारा 4a by 3, 4 by 3 पाई, यानी कि दोनों इवन पावर है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगा, तो एक्स बार बाई ए वाई बार और इन दोनों की वैल्यू ये हो जाएगा दैट इज द आंसर। ये क्लास तुम्हारी ओवर हो रही है।